हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो ओके गाइस, आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं पोनीटेल लॉक करने का इजी और सबसे आसान तरीका। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। ओके, सो माना ये हेयर है और आपने पोनीटेल बांधनी है ऑन मिड पॉइंट पे। सो आपने ऐसे कॉम करना है विद यूजिंग पैडल ब्रश। पैडल ब्रश एक्चुअली क्या करता है, आपके ज़्यादा से ज़्यादा हेयर को कॉम करके ग्रिप में ले आता है। एंड देन आपने अच्छे से इसको कॉम करना है फ्रॉम द डाउन पॉइंट, कॉर्नर टू कॉर्नर, नीचे एंड क्लीन। अच्छे से इसको ग्रिप करें, हाथ को आपने डाउन पॉइंट से ऐसे ग्रिप करना है। पैडल ब्रश के बाद में आपने टेलकॉम से जो भी आपकी लाइन्स वर्क, यहाँ पे जो हेयर आपके क्लीन नहीं हुए उनको आपने कॉम करना है और उसको फिर आप कर देंगे ग्रिप जहाँ पे आपने पोनीटेल को लॉक करना है। सी, अब लॉकिंग जब आप इसको पकड़ रहे हो कैसा होना चाहिए, मैं आपको क्लोजली दिखा रहा हूँ। एंगल कैसे होना चाहिए, इट शुड बी अटैच विद द हेड। इसके और हेड के बीच में जो लास्ट पॉइंट से मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है, ये बिल्कुल हेड के साथ में चिपका हुआ है, अटैच है, कोई गैप नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमने लगाना है ये बॉबी पिन और ये रबर बैंड के साथ में, कुछ ऐसे हमने इसको बना रखा है। या आप बड़ा रबर बैंड का भी यूज़ कर सकते हो, इफ़ यू हैव लाइक दिस काइंड ऑफ रबर बैंड तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। इसको डबल कर लेना है आपने और इसको सीधे इंसर्ट कर लेना है। सो अभी हम यूज़ कर रहे हैं इस लूप का। सो अभी क्या किया हमने, यहाँ से बिल्कुल इसको टाइट पकड़ना है। बॉब पिन को बिना खोले हुए सीधा आपने स्कैल्प पे टच करते हुए अपोजिट साइड तक इसको आपने इसको इंसर्ट करना है। एंड देन रबर बैंड को आप ऐसे मूव करेंगे। अब अदर साइड से आपने जस्ट, मैं बता देता हूं आपको, आई एम जस्ट मूविंग हियर। सी, यहां पे जो आपकी फिंगर है या ये डाउन फिंगर है, इसके सपोर्ट में आपने ऐसे होल्ड कर लेना है। हाथ को ऊपर से लेना है, यहां पकड़ना है, फिर टर्न करना है और उसी पॉइंट पे छोड़ के फिर यहां से पकड़ लेना है। अभी दो राउंड हुए, थर्ड राउंड। अब रबर बैंड तीन बार घूम चुका है, उसने अपनी ग्रिप बना ली है। नाउ यू कैन मूव योर हैंड बिहाइंड और इसको रोल करना है, दैट्स इट। अब ये लास्ट पॉइंट है, अगर आपको बॉबी पिन यहाँ से फ्रंट या बैक वेरिएशन उसका बैक पार्ट दिख रहा है तो आप उसमें इस रबर बैंड को लगा सकते हो, लॉक कर सकते हो। नहीं तो आपने अलग से बॉब पिन लेनी है, इसमें बॉब पिन को ऐसे रखना है और इसको साइड कॉर्नर पॉइंट से सीधे अंदर चले जाना है। सो ऐसे आप हैवी से हैवी पोनीटेल को बांध सकते हो जहां आपको बांधना हो, मिडिल पॉइंट पे, टॉप पॉइंट पे और लो पॉइंट पे भी। तो ये था टेक्निक पोनीटेल को लॉक करने का। दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और ऐसी ही यूजफुल टेक्निक के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। सो जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी। टिल देन, सी यू सून, बाय बाय।